हेलो डियर स्टूडेंट, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास टेंथ की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज चल रहा है आपका 5.3, यानी 5.3। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 है 5.3 का। तो देखिए, 5.3 में कुल 20 क्वेश्चन है बस, और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगा ख़त्म, और इसी के साथ आपका समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चंस है, आप ध्यान से देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एक आलू दौड़। भैया, आलू दौड़ सुनकर के घबराना नहीं, कि आलू वही है जो इससे समोसा बनता है। तो ये पोटैटो की दौड़ कहाँ हो रही थी, ज़रा क्वेश्चन समझना फिर से। कह रहा है कि आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। आप कहोगे हमने घोड़ा हाथी की दौड़ तो सुना था, हाँ बंदर शेर कुत्ता बिल्ली इंसान की दौड़, लेकिन ये आलू बैगन की दौड़ कब से होने लगी? तो आलू बैगन की भी दौड़ अब होने लगी है। क्वेश्चन में पढ़ो, देखो ध्यान से। तो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। पहले आप ये प्रश्न जो पढ़ रहे हैं इसका फिगर देख लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ में आएगा। आप देखिए कैसे कह रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये जो एक लाइन सीधी सीधी आपको दिख रही है बेटा स्क्रीन पर, जिसपे एक लड़की दौड़ती हुई नजर आ रही है, उसके सामने आप अगर देख रहे हो तो एक बकेट रखी है, बाल्टी रखी है ना, एक लाइन है। लाइन पे देखो आगे बाल्टी रखी हुई है, उसके लेफ्ट साइड में राइट साइड देखो पीछे पेड़ है, उसके नीचे लिखा है आकृति 5.6। तो ये जहाँ पे 3 मीटर लिखा है, 5 मीटर लिखा है, वो क्या है, वो वही पॉइंट है जो क्वेश्चन में कह रहा है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा दृश्य यहाँ पे बना के भी दिखाना चाहूँगा, जिससे आपका क्लियर हो जाए। देखो बच्चा, ये ऐसे बना हुआ है बाबू, यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है ऐसे, आलू लला के डालना है, और ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हो फिगर में, ये 5 मीटर लिखा है, यहाँ पे एक आलू है, फिर यहाँ पे 3 मीटर लिखा है, यहाँ पे एक आलू है, और इस तरह से यहाँ पे एक लड़की खड़ी है ऐसे खतरनाक टाइप की, हाँ समझ रहे हो ना, ये भी एक आलू है, ये भी एक आलू है, ऐसे ऐसे 10 आलू रखी गई। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलें प्रश्न पे चलें, पहले प्रश्न पढ़िए फिर मैं फिगर दिखाऊंगा, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, बार बार पढ़ेंगे, कहानी सिर्फ समझना है, उसके बाद ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, एकदम हलवा है। कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा ट्रेलर, आपने समझ गया, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। ये आलू और बाल्टी की दूरी पहले 5 मीटर है, फिर इस आलू से इसकी दूरी 3 मीटर है, और इस वाली आलू से दूसरी वाली आलू की जो दूरी है बेटा वो भी क्या है, 3 मीटर है। यानी और जो जितने भी आलू यहाँ पर रखे गए हैं इधर साइड में, ये सभी एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है, ये सभी आलू हैं, ठीक है। फिर पहले आलू और बाल्टी की दूरी 5 मीटर है, बाकी सबकी 3-3 है आपस में। अब आगे प्रश्न ध्यान दीजिए, हाँ कह रहा आकृति देखिए मैंने दिखा दी। कह रहा एक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, जो लड़की दिख रही है वो एक्चुअली वहां से नहीं दौड़ेगी, यहाँ से वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगी, और आगे क्या करती है, कह रहे कि प्रत्येक आलू को उठाती है और उसे ले जा करके वापस दौड़ कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना भर जाएं, बाल्टी में ना आ जाएं। तब इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी करनी पड़ेगी? समझ में आया क्वेश्चन, एक बार फिर से सुन लो, समझ लो पहले, समझो ज़्यादा सुनो कम, ठीक है, समझो ज़्यादा। देखो बेटा, एक्चुअली में जो ये फिगर आपको दिख रहा है उसे मैं थोड़ा आपको दूर से दिखाना चाहूँगा, थोड़ा भाई कैमरा जूम आउट होना पड़ेगा। देखिए समझिए, ये एक लड़की है, अब मजा नहीं लेना कि ये लड़की बनाया हूँ शैतान बनाया हूँ, डर लग रही ना, ये लड़की है, ये क्या कर रही है, देखो समझो, ये बाल्टी है भाई, आलू सभी देखे हो, और ये सीधी रेखा में यहाँ एक आलू है, यहाँ एक आलू है, यहाँ एक आलू है, ये सभी आलू रखी हुई, 10 आलू है। ये लड़की बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, बोल रहा है, और यहाँ आके इस आलू को उठाती है और ले जाकर बाल्टी में डाल देती है, फिर यहाँ पे चलती है, फिर यहाँ आती है, फिर दूसरी आलू को उठाती है, इसको बाल्टी में डाल देती,
फिर यहीं से चलती है और फिर यहां तक आती, इस आलू को उठा के बाल्टी में डाल देती। इन दोनों आलुओं के बीच की दूरी 3 मीटर है, इसके बीच की दूरी 3 मीटर है, इसकी और बाल्टी की दूरी 5 मीटर, इसकी दूरी भी 3 मीटर है, 3 मीटर है, ऐसे ऐसे सभी 3-3 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है ये सारी आलू बाल्टी में भरने में इस लड़की को कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात है, इसको मैथ की भाषा में लगाएंगे, समांतर श्रेणी की भाषा में। बाकी वैसे अगर जोड़ा जाए तो आप जोड़ सकते हो, भाई पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए उसे 10 मीटर चलना पड़ेगा, पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए उसे 10 मीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि वो बाल्टी से ही चलना प्रारंभ करेगी। ऐसा नहीं यहाँ खड़ी यहीं ले जाकर आलू डाल देगी, नहीं, चलेगी तब तो इसको भी दोनों एक के साथ ही उठा ले जाएगी। वो बाल्टी पर, बाल्टी के पास आएगी पहले, तब यहाँ से उसकी काउंटिंग गिनी जाएगी कि बाल्टी से वो कितना चली। 5 मीटर आएगी तो आलू पाएगी, फिर उसको उठाएगी, फिर 5 मीटर जाएगी, फिर डालेगी, 10 मीटर हो गया। अब नीचे यहाँ पे आप लिखो, लिखना कैसे है, लिखो पहले आलू को बाल्टी में डालने, आप लोग लिखो भाई फटाफट लिखो, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई कुल दूरी बराबर लिखो। मैंने क्या बोला, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई कुल दूरी बराबर कितना, भाई 2×5=10 मीटर, क्योंकि वो 5 मीटर आई और 5 मीटर गई, 10 मीटर ना। ये थोड़ा सा मैं फिगर आपको दिखाऊँ, सही नहीं है, जाने दो, ये पहले आलू के लिए हो गया। आप लोग लिख रहे हो ना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, लिखते जाना, भूलना नहीं। नीचे लिखो दूसरे आलू को उठाने और बाल्टी में डालने के लिए तय की गई कुल दूरी बराबर लिखते जाओ। देखिए बेटा, दूसरे आलू के लिए समझना भाई, वो लड़की बाल्टी से प्रारंभ करी थी, 5 मीटर आई, पहली आलू उठाई, बाल्टी में डाल दी, ठीक। फिर दूसरी आलू यहाँ है, अब देखो बाल्टी से इसकी दूरी 8 मीटर है, पहले आलू के बीच की दूरी 5 मीटर थी और यहाँ से ये मीटर थी, तो टोटल दूरी 8 मीटर है। अब लड़की बाल्टी से ही चलना शुरू कर रही है, तो बाल्टी से पहले 8 मीटर आएगी, 8 ले जाएगी, 16 मीटर ना, यानी कितना हो जाएगा, 2×5=3, 5×3 का मतलब ये 5 मीटर और ये 3 मीटर दोनों जोड़ देंगे, और चूंकि एक बार आएगी फिर जाएगी इसलिए 2 गुना कर देंगे, बराबर 16 मीटर। इस तरह से आप लिखोगे यहाँ पर, तीसरे आलू को उठाने और ले जाकर बाल्टी में डालने में तय की गई कुल दूरी बराबर 2×, ध्यान देना तीसरी आलू यहाँ है बेटा, ये नहीं है, ये है तीसरी आलू, तो ये 5 मीटर, ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक चलना पड़ेगा, तो तीसरी आलू पाएगी, यानी 5 मीटर × 3 मीटर × 3 मीटर, और फिर उतना ही वापस जाएगी, ये इसको 2 गुना कर देंगे, ये 3×3=6, 5×11=22 मीटर। आप अगर यहाँ ध्यान दो तो एक सीरीज बन रही है, एक श्रेणी बन रही है ना, 10, 16, 26, ये लिखो अब, अतः श्रेणी बराबर, इसी तरह से चौथे का भी आप कर सकते हो, जब एक श्रेणी बन रही 6-6 का अंतर है तो अगला क्या हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा चौथे के लिए, श्रेणी बन गई, लिखो श्रेणी बराबर 10, 16, 22, ... 10 पदों तक, समझना 10 पदों तक, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कुल 10 आलू है, 10 ही बार उसको ये सारी क्रिया करनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चा, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई श्रेणी से, हम इसका योगफल निकाल लेंगे इस श्रेणी का, और वही योगफल हमारा लड़की के द्वारा सभी आलू को बाल्टी में भरने में तय की गई कुल दूरी का, क्या बस इतना ही निकालना है। चलिए क्लियर है, तो ए बराबर 10 क्योंकि पहला पद है, सर्वांतर डी बराबर निकालेंगे 6 हो जाएगा, आप घटा के देख लो, एन बराबर 10 दिया बाबू क्योंकि 10 पदों तक, अगर इस पे कोई नंबर दिया होता, 10वां पद लास्ट वाला पद जैसे दिया होता, जैसे देखो ये 16 है 10 है 16 है 22 है, ऐसे 28 होगा, 28 के बाद 34 होगा, 34 के बाद 40 होगा, ऐसे ऐसे अगर अंतिम वाला पद दिया होता तो हमें मतलब ए एन दिया होता, लेकिन ये अंतिम पद नहीं दिया, ये 10 पदों तक है, यानी कि एन दिया है, ए एन नहीं दिया, लास्ट पद नहीं दिया, ये बताया कुल कितना पद है। तो
तो अब हम इससे योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने का दो सूत्र होता है, आप इसे लिख लो पहले, मैं मिटाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, मैं इसे इरेज करूंगा, जल्दी करो। हो गया, इतना करना था बस। तो देखिए बच्चा, हमें इसको करने के लिए दो फार्मूला प्राप्त है। पहला फार्मूला है, आप सबको पता है कि एस एन बराबर एन अपान टू ब्रेकेट में ए प्लस एल, यानी जो योगफल बराबर होगा एन अपान टू ब्रेकेट में पहला पद धन अंतिम पद। लेकिन हमें इसमें अंतिम पद तो दिया नहीं बेटा, हमें ए दिया है, एन दिया है और टी दिया है। तो हम इसका मेन जो स्टैंडर्ड सूत्र है वो लगा देंगे, स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वाला सूत्र देखो, ये मुझे देखना पड़ता नहीं बार बार, इसका प्रीव्यू नहीं यार रिकॉर्डिंग में कैसा हो। सूत्र लिखो, एस एन बराबर एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है, एन का मान 10 आया था आप सबको पता है, और ए का मान 10 आया था, तो 10 माइनस वन इंटू ए, एन और ए दोनों का मान 10 10 आया था, याद रखना है, इनको हल कर लेना है। आपका आंसर आपके चरण कमलों में आ गया है, बहुत जल्दी करिए फटाफट। देखिए इस प्रश्न को समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बाकी इसको हल करने में कोई समय नहीं है, सिर्फ समझने की हेरा फेरी थी, ओनली वन समझने का कमाल है बेटा। इसको हल करोगे 5 हो जाएगा गुड़ा, ये 20 हो जाएगा, ये 9×54 हो जाएगा, तो 20×54 आपको पता है कि ये 74 हो जाएगा। फाइनल में 5×20 537 मीटर ये लिख लीजिए। अतः सभी आलुओं को बाल्टी में डालने के लिए प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी? 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। एक बार फिगर फिर से देख लीजिए, लास्ट में जाते जाते खत्म हो गया है। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये चित्र था जिसमें इस प्रतियोगी को उठा के आलू को बाल्टी में डालना था। हाँ, ये इतनी कहानी थी भैया बाबू। क्लियर ना सभी को? तो मैं एक बार फिर से हट जाऊंगा स्क्रीन से, आप इसे नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो, जो मन करे कर लो। चलो बिठाता हूँ फिर, ठीक है। तो इस तरह से आपका समांतर श्रेणी खत्म हो गया, द एंड। अगली क्लास में हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे, आपका छठा चैप्टर। और अगर आप चैनल पे देखो तो पहले से मैं पढ़ा चुका हूँ, दिसंबर 2020 में मैं ट्राइंगल ख़त्म कर दिया था, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा आपका, ठीक है। नया क्लास होगी तो उसे भी देखना। अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो PVR स्टडी फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम बताएंगे। कमेंट करिए, निसंकोच।